तम सर्वभूत हृदय मुनिमान तुष्मि नारायण नमस्कृत नर चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जय मुदिरे श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद सभी गणात बोल हरे कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 राम। बरे गुरुपाद पद्म नितलीला प्रविष्णु विष्णु पाद अष्टोत्तर सदस्री श्री श्रीमात भक्ति श्री सिद्धांत गोस्वामी महाराज जी के चरण कमल में अनंत कोटि साष्टांग दंडवत प्रणाम करता हूँ। तत्पश्चात मेरे शिक्षा गुरुपाद पद्म नित्यलीला और विष्णु विष्णु पाद अष्टोत्तर सतश्री श्री श्रीमद भक्ति वेदांत श्रील नारायण गोस्वामी महाराज जी के चरणों सरज में श्रद्धा पुष्पांजलि अर्पण करता हूँ। उपस्थित श्रील भक्ति वेदांत तीर्थ महाराज शांत महाराज परमहंस महाराज रामचंद्र प्रभु जोगी महाराज हरे कृष्ण प्रभु सभी वैष्णव सभी माताएं पिताएं भाई बहन सभी कवि जथाजों को प्रणाम करता हूँ। हरे कृष्ण। गत कल हम लोग श्रवण कर रहे थे ये भागवत का तीन मंगलाचरण श्लोक को द्वारा श्री सुखदेव गोस्वामी मंगलाचरण किए हैं। कहते मंगलाचरण का तात्पर्य जो होता है कोई भी काम करो मंगलाचरण के माध्यम से कर दो वो काम बहुत अच्छे तरह से संपन्न हो जाता है। अभी ये घोर कलयुग आ गया है। यदि कलयुग क्या है बोले प्रायण अल्पायुष सक कलाबस्मीर जुगे जना मंदास सुमंद मतयो मंद भाग्य जुपदुर्गा सबके सब छोटे बड़े दे जा रहे हैं। बोले कलयुग में जो बताया बोले मंद भाग्य छुपद्रुता कलयुग में बोले मंदा सुमंद मतयो आप देखना स्वाभाविक रूप में हमारे मन गंदी चीज में जाती है और भजन करने के लिए स्नान करके तिल करके आसन करके आचमन करते हुए भजन के लिए बैठो आंख बंद करते ही केवल भगवान के सिवाय और सब याद आता केवल ठाकुर याद नहीं आता। इसलिए बोले कलयुग में फिर ये इंटरनेट फिर ये स्मार्टफोन मोबाइल ये टीवी फिर आ गए जो कि सबका सत्यानाश करने वाले पितामह ब्रह्मा जी के पास में गए। बोले ये कलयुग से हम बचाव कैसे हो। ब्रह्मा जी बोले मैं एक चक्र प्रकट करके फेंकूंगा ये चक्र जहां पर गिरना समझना वो पवित्र स्थान है वहीं पर बैठ करके भजन करो वो गिरा जा करके नैमिषारण्य करो। आप लोग कहीं गए थे कभी शहर में कौन कौन गए हाथ उठाओ तो कौन जात पात कुछ ना कोई और हरि का भजा सो हरि का भजा सो हरि का होई। भगवत भक्त में जात पात का कोई प्रश्न नहीं है। इसलिए हमारे प्रेमानंद ठाकुर एक हुए हैं वो बड़ा सुंदर एक बंगला में कीर्तन करते हैं हम उसका दो लाइन लिखा रहा हूँ बोले हे मान की करे वरना बोला ए मान की करे इसलिए यहाँ पर प्रश्न यहाँ पर सीखा है भगवत भक्ति में जात पात का कोई विचार नहीं। और बोले हे श्री सुत गोस्वामी आप गुरु जी की कृपा से सारे ग्रंथ वेद पुराण को आपने समझे हो सीखा देते हैं अपने आप ये वेद पुराण पढ़ने का ग्रंथ नहीं है ये सबसे पहले क्या करो ये ब्रह्म सूत्र का ये पहला सूत्र है। बोले हम सबके सब जीवन में सुख ही ढूंढते हैं लेकिन सुख मिलता नहीं कि बोले अतः अतः मतलब होता है जहां हमें सुख ढूंढनी चाहिए हम वहां नहीं ढूंढ ऊपर में बाल हो गया उन्हें ये सात जो असंभव चीज